कल आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के एरिया में दोपहर 1 बजे एक लूट की घटना की रिपोर्ट आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से 3 जो उसके यात्री बनकर बैठे थे सस्पेक्ट, उन्होंने पिस्टल दिखाकर शाहपुर गढ़ी के पास जंगल में उससे टैक्सी छीनी। उन्होंने ये टैक्सी कौशाम्बी मॉल के पास से हायर करी थी और उसे बवाना जाने के नाम पर इस रास्ते पर ले गए और वहाँ पे पिस्टल दिखाकर उसे ये लूट करी गई। लूट के तुरंत बाद थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की टीम एक्टिव हो गई और टेक्निकल सर्विलेंस के सहारे से हमने गाड़ी की लोकेशन का लगातार पता लगाते हुए उसका पीछा किया। कुल 7 लोगों की टीम थी नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की, जो इसका कई घंटों तक पीछा करते रहे गाड़ी का। सस्पेक्ट इस गाड़ी को मेरठ के पास ले गए, जहां मेरठ के पास हमारी टीम ने इन 3 सस्पेक्ट्स को गाड़ी के साथ ही धर दबोचा। इसमें अक्यूज्ड ने पुलिस से बचने के लिए कई सारे रास्ते बदलते हुए ये मेरठ की तरफ गए, ताकि पुलिस की चेकिंग से बच सकें। हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस इसमें काफ़ी एक्यूरेट थी, जिसके बेसिस पे हमारी टीम भी इनसे थोड़ी दूर पे इनका पीछा करती रही। कई बार इन्होंने कोशिश करी कि पुलिस से बच सकें, अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इन्होंने इस तरह से ऑफ कर रखे थे ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके, फिर भी ये बचने में नाकामयाब रहे। अंत में ये मेरठ में उस जगह पहुँचे जहाँ ये फाइनली छुपना चाह रहे थे, वहाँ पर जाकर पुलिस टीम इनको पकड़ने में कामयाब रही। अभी हमें इनसे 1 9mm का पिस्टल और 7 कार्ट्रिज रिकवर मिले हैं। जब इन्होंने गाड़ी छीनी थी ड्राइवर से, तो ड्राइवर को इन्होंने इस तरह से भरमाया कि हम किसी से पैसे मंगवा रहे हैं तुम्हारा किराया देने के लिए, थोड़ी देर रुक जाओ। और उस वक्त ड्राइवर को इन्होंने मिसलीड करके, फिर उसके साथ मारपीट करके इसको गाड़ी में अंदर डाला। उसके बाद गाड़ी को एक सिक्लूडेड एरिया में जंगल में ले गए। वहाँ इन्होंने ड्राइवर को काफ़ी पीटा और धमकाया, और उसे ये भी धमकी दी कि पुलिस को रिपोर्ट मत करना वरना हम तुम्हारे पीछे फिर आएंगे। और उसके बाद ड्राइवर को जंगल में उसके सारे फोन्स तोड़कर इन्होंने अकेला इस तरह से छोड़ दिया, ताकि वो काफ़ी देर तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दे सके। दिल्ली को टारगेट क्यों किया सर इन्होंने? यूपी से आए तो दिल्ली को ही टारगेट क्यों किया, उधर से हरियाणा भी जा सकते थे। हरियाणा में ये 2 मर्डर केस में वांटेड है, हरियाणा में इनके ऊपर इनाम है, इसलिए इन्होंने अपने फरार होने के लिए और छुपने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहाँ हरियाणा पुलिस से ये बच सके। जब इनको पुलिस टीम ने वहाँ पर पकड़ा, तो इनके पास से 1 9mm की ऑटोमेटिक पिस्टल और उसके साथ 7 9mm की कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुई। ये इस घटना के सहारे इस गाड़ी को लूटकर एक और मर्डर की वारदात को सोनीपत के इलाके में अंजाम देना चाहते थे। सर कितने इनमें जो 3 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से पहले का नाम मोनू है, जो सोनीपत के लालहेड़ी गांव का रहने वाला है। उसके ऊपर दिल्ली और हरियाणा दोनों में लगभग 30 मुकदमे हैं, जिसमें कई मर्डर के केसेस हैं, कई अटेम्प्ट टू मर्डर और इसके अलावा भी कई हीनियस केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये मोनू जो है, वहाँ पिछले महीने ही एक मर्डर का केस हुआ है, नरेश एक्स सरपंच का मर्डर किया गया मई के महीने में। उसमें मोनू एक मेन अक्यूज्ड है, उसके साथ मोनू के दोनों साथी जो हैं अनमोल और सतीश, इन दोनों के ऊपर भी 2 केस हैं मर्डर के, और ये दोनों भी मर्डर के केस में वांटेड थे। इन 3 के ऊपर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम रखा हुआ है। जो मोनू है, उसका लिंक दिल्ली में टिल्लू गैंग के कॉन्टैक्ट में रहता है वो, उसके अलावा हरियाणा के भी एक क्रिमिनल गैंग के कॉन्टैक्ट में रहा है, ये उनके साथ एसोसिएटेड रहा है और उनके साथ मिलकर इसने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। इनके ऊपर जो इसमें सबसे जो हीनियस सबसे डेस्परेट क्रिमिनल जो है वो मोनू है, उसके ऊपर जो 30 मुकदमे हैं उसमें 3 से ऊपर तो मर्डर के मुकदमे हैं, उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर के भी कई मुकदमे हैं। फिर ये दिल्ली पुलिस के साथ पिछले 2019 में पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी के एरिया में भी इसका इनकाउंटर हुआ था, जिसमें ये अरेस्ट हुआ था। ये इसी साल जनवरी के महीने में बेल पर छूट कर आया है, और जनवरी में बेल पे आने के कुछ महीने के अंदर ही इसने हरियाणा में मर्डर कर दिया,
और अब ये इस फिराक में था कि इस गाड़ी को लूटने के बाद इस गाड़ी को यूज़ करके ये हरियाणा में और मर्डर करने की फिराक में। क्या पुलिस का वेपन भी छीना सर इन्होंने? हाँ, जैसा मैं पहले बता रहा था, जब रात में हमारी पुलिस टीम मेरठ से इनको पकड़ के लाई और गाड़ी लूट की मौका वारदात पे इनको ले जाया गया, वहाँ ड्राइवर के फ़ोन और सिम को रिकवर कराने के लिए, वहाँ मोनू जो कि सबसे डेस्परेट है इनमें से, उसने वहाँ टीम को मिसलीड करके रांधेरे का फ़ायदा उठा के जंगल में भागने की कोशिश की। भागने से पहले इसने हमारे एक कांस्टेबल की पिस्टल, सर्विस पिस्टल छीनी और उससे पुलिस टीम को के ऊपर फायर भी किया। अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस टीम ने भी एक फायर किया जो कि इसके पैर पे लगा, इसके पैर में एक गोली लगी है, उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया।